वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सभी का आपका इस चैनल के माध्यम से मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, क्या स्टाम्प पेपर पर तलाक मिल सकता है या वैलिड है? लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल कानून की आवाज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे जो नए नए वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज बात करते हैं कि स्टाम्प पेपर पर तलाक हो सकता है या वैलिड है क्या नहीं है। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति जो व्यक्ति हैं, ग्राम पंचायत से तलाक लिखवा लेते हैं, अपने सामाजिक तौर पे तलाक लिखवा लेते हैं, कोई स्टाम्प पेपर पे तलाक लिखवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तीनों ही प्रकार के तलाक वैलिड नहीं है कानूनी दृष्टि से, क्योंकि स्टाम्प पेपर में जो तलाक या जो राजीनामा या जो विवाह छेद जो लिखवाते हैं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर इसे वैलिड नहीं माना जाता। लेकिन बहुत सारे जो ग्रामीण प्रवेश के व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारे सोचते हैं कि पैसे की बचत करने के लिए स्टाम्प पेपर पर ही तलाक नामा लिखवा लेते, उसे ही तलाकनामा मान लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तलाकनामा वैलिड नहीं है जब तक आप सेक्शन 13 बी म्यूचुअल कंसेंट या सेक्शन 13 ही से ही कोर्ट द्वारा अगर तलाक मिलता है वही तलाकनामा माना जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने स्टाम्प पेपर पर या पंचायत द्वारा या चार पांच व्यक्ति या आपने सामाजिक तौर पर जो तलाक लिया जाता है वो तलाक मान्य नहीं है, जब तक आपसे कोर्ट से डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आपको तलाक नहीं माना जाता। स्पेशल क्योंकि इस चीजें ऐसी होती है कि दोबारा अगर आपने ऐसा चीजें लिखवाना करना सारी चीजें हो जाने के बाद भी अगर महिला आपके खिलाफ केस कर देती है तो वो चलेगा, क्योंकि वो महिला ये कह के आएगी कि मुझे दबाव में लेके मेरे परिवार वालों को धमकी पिलाकर इन्होंने तलाकनामा स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर आपने कोर्ट द्वारा या तो सेक्शन 13 भी या 13 या तो राजीनामा से तलाक या सेक्शन 13 से अगर आपने कोर्ट से तलाक ले लिया तो वो वैलिड माना जाएगा, अन्यथा वो वैलिड नहीं है। स्टाम्प पेपर वाला तलाक वैलिड नहीं है, ये केवल अपनी संतुष्टि के लिए होता है कि हमने तलाक ले लिया। लेकिन दोस्तों, कोर्ट के द्वारा जो तलाक होता है वही तलाकनामा होता है, वही वैलिड तलाक होता है। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो से अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आई तो मुझे नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि दोस्तों लीगल तौर पे तो कोर्ट जो तलाक डिग्री देती है वही मान्य है, अन्यथा आप स्टाम्प पे लिखवा लो, सादा कागज लिखवा, ये ग्रामीण परिवेश में होता है दोस्तों। लेकिन वैलिड तलाकनामा कोर्ट द्वारा ही दिया जाता है। अगर आपको, मैं ऐसा करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसे एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, थैंक यू।